कम इतनी बात याद हो जाए हमको आपको कि हम अपनी आत्म प्रशंसा अपने मुख से करना बंद कर दें, उसी दिन हम एक सफल व्यक्ति होंगे। लेकिन हम कितने भी सफल हों, आत्म प्रशंसा यदि हम करेंगे तो भोलेनाथ का पूर्ण नहीं टीका, तो हम आप किस खेत की मूली है। वो छोटी सी बात है, आत्मसात करिए इसको। लोग चार धाम करके आते हैं, संतोष बाबू पर बताते कि मैं जब बद्रीनाथ गया महाराज तो वहां पर देखा मैंने कि बहुत गरीब लोग बैठे थे और बहुत परेशान थे। मैंने बेटे को फोन किया कि भाई खाते में तुम 50,000 और डालो, और इसी समय कंबल मंगा के सबको बांट देते हैं। बेटे ने तुरंत 50,000 भेजा, महाराज मैंने कंबल बांटा और फिर महाराज नीचे उतरे तो हरिद्वार में लोग हमसे कहने लगे कि एक भंडारा हो जाए, तो मैंने फिर व्यवस्था बनाई और मैंने महाराज 5,000 लोगों का भंडारा किया, आपसे बता रहा हूँ। लेकिन महाराज आपसे क्या बताएं, जब से चार धाम करके आए तब से एकदम बहुत मन अशांत रहता, बड़ी परेशानी घर में। बाप रे बाप, जितना पुण्य कमाया था उसको गा करके खत्म कर दिए। और आसानी से समझने के लिए साहब, दो ठू फल ले लीजिए, फल एक बैर का फल ले लीजिए जितेंद्र बाबू, एक आम का ले लीजिए। आराम वाले फल को धो पोंछ करके मेज पर, शीशे वाले मेज पर रख दीजिए, और बैर वाले को ले जाकर मिट्टी में ढक दीजिए। कुछ वर्षों का बाद, कुछ महीनों बाद किसका पेड़ उगेगा जो शीशे पर रखा है। इसका मतलब है कि हम जब अपने पुण्य खोल देते हैं, अपने पुण्य जब हम खोल देते हैं मेज पर शीशे के रख देते हैं, वो कभी अंकुरित नहीं होता। जब वो अंकुरित ही नहीं होगा तो फिर उसमें फूल कहां से लगेंगे, फल कहां से लगेंगे। और हम बैर वाले बीज को ढक देते हैं, परिणाम ये होता है यो कटीला पेड़ समय पाकर अंकुरित होता है और हमको परेशान करता है। इसलिए जीवन में राम जी की कथा सुनने के बाद आज एक संकल्प के साथ अपने घर जाएं, छोटा सा संकल्प कि बाप अब जो भी हो, जितना अच्छा काम हमारे जीवन में है हम किसी से नहीं बताएंगे, किसी से। गुरु जी हम आप से